हेलो फ्रेंड्स, जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपकी फैमिली में किसी को बुखार है, गले में खराश है, खुश्की रहती है, खाना खाने का मन नहीं करता है, मुंह का स्वाद अच्छा नहीं है, भूख नहीं लगती, बुखार के कारण कमजोरी है, थकान है और डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो इन सब तकलीफों के लिए अलग अलग दवा लिख देते हैं। उनमें से कोई भी दवा दिन में 2 बार खानी होती है तो कोई दवा दिन में 3 बार खानी होती है। यानी अगर 5 दवा भी है तो दिन भर में कुल 10-12 गोलियां खानी पड़ती हैं। ऊपर से इतनी दवाइयों के साइड इफेक्ट अलग झेलने पड़ते हैं और इतनी दवाइयों पर कम से कम 700-800 से लेकर 1000 रुपए का खर्च हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा घरेलू नुस्खा या कोई ऐसा आयुर्वेदिक इलाज मिल जाए जो आसान भी हो, सस्ता भी हो और अकेला ही इन सब तकलीफों को दूर कर दे, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। बुखार के लिए ये तो एकदम रामबाण नुस्खा है। जिनको किसी भी तरह का वायरल बुखार है उनके लिए भी ये बहुत काम का है। जिनको अक्सर बुखार रहता है, एक ही महीने में या एक साल में ही कई कई बार बुखार हो जाता है, उनके लिए भी ये बहुत कारगर चीज है। शरीर में थकावट रहती हो, दर्द रहता हो, मोटापे से ज्यादा परेशान है या फिर कब्ज की शिकायत रहती है, खाने का मन नहीं करता है, भूख नहीं लगती है, मुंह से बदबू आती है, खारिश खुजली होती है, सिर में दर्द होता है या फिर छोटे बच्चों का हाजमा अच्छा नहीं रहता है, जब देखो दस्त हो जाते हैं, ये सारी परेशानियाँ इस अकेली चीज से दूर हो जाएंगी। ये एक तरह का काढ़ा है जिसे पहले के सभी बड़े बुजुर्ग खूब बनाया करते थे, जब तरह तरह के ड्रिंक दिन भर पीने के लिए नहीं होते थे जैसे आजकल होते हैं। इसे आप बिना चीनी के बना सकते हैं, बिना मीठे के बना सकते हैं, इसलिए डायबिटीज के पेशेंट्स भी बुखार या दूसरी जो तकलीफ अभी मैंने बताई उन सब में इस नुस्खे को यूज कर सकते हैं। और अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो इसे आप अपने लिए मीठा भी बना सकते हैं। बच्चों को इसे कैसे देना है ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को ये फायदा देने वाली चीज है। ये जो चाय है ये हाजमा दुरुस्त करती है, एसिडिटी और पेट की जलन को ठीक करती है, आंखों की रोशनी को ठीक करती है, ये आपके बलगम को भी खींचकर निकाल देती है। इसके अनेकों फायदे हैं, यानी कि ये बॉडी की कई सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने वाली कमाल की चीज है। तभी तो इसको पीने से हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग आजकल की हमारी पीढ़ी से ज्यादा हेल्दी रहते हैं और उनको आज जैसी बीमारियां नहीं है। कमाल की बात ये है कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ रसोई में रखी उन चीजों से बनाएंगे जो चीजें आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट जबरदस्त है। यहाँ पर मैंने 3 कप पानी ले लिया है। पानी को हम गर्म होने देंगे, पानी में उबाल आने देंगे। मैं यहाँ पर 2 लोगों के हिसाब से इसको बना रही हूँ, तो चाय तैयार होते होते 3 कप पानी का ये 2 कप रह जाएगा। अगर आपको ये चाय, ये काढ़ा एक बार में ही 2 से ज्यादा लोगों के लिए बनाना हो तो आप उसी हिसाब से इसमें सभी चीजें बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर 2 चम्मच मैं ले रही हूँ सौंफ। सौंफ सभी को पता है हाजमे के लिए जबरदस्त है, पेट के लिए जबरदस्त है, आंखों के लिए जबरदस्त है, मुंह की बदबू के लिए जबरदस्त फायदेमंद होती है। इससे बॉडी में जगह जगह होने वाली खुजली भी ठीक हो जाती है। अगर कब्ज रहती है तो वो तो ऐसे गायब हो जाएगी कि बस जैसे कभी थी ही नहीं। पेट की गैस को ये एकदम खत्म करेगा। तो ये सौंफ हम उबलते हुए पानी में डाल देंगे और गैस की फ्लेम कम कर देंगे। अब ये सौंफ जब पानी में 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर उबल जाएगी, थोड़ा कलर छोड़ देगी और इसकी थोड़ी थोड़ी खुशबू भी आने लगेगी, तब हम इसमें डालेंगे इलायची। यहाँ पर मैंने 2 लोगों के काढ़े के लिए 2 हरी इलायची ली है। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर हरी इलायची या जिसको छोटी इलायची भी बोलते हैं वो ली है। बड़ी इलायची, मोटी इलायची मैंने नहीं ली है। ये इलायची हाथ से थोड़ी सी दबा कर खोल कर हम इस पानी में डाल देंगे। ये बुखार, खांसी, जुकाम के लिए रामबाण होती है दोस्तों। अगर आप ठीक इसी तरह से इस नुस्खे को बना लोगे और यूज कर लोगे तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सौंफ और हरी इलायची गर्म भी नहीं करती जैसे दूसरे काढ़े बनाने में यूज होने वाली चीजें गर्म करती हैं। और कुछ लोग उसमें ये पूछते हैं कि हम तो ये सब गर्मी में नहीं पी सकते, इसलिए कोई ऐसी चीज बताओ जो गर्मी नहीं करे, तो उनके लिए भी ये बेस्ट है। अब इसमें हम एक और चीज डालेंगे जो बुखार के लिए बहुत ही जबरदस्त दवा है, और वो चीज है ये साबुत धनिया, या जिसको धनिया के बीज भी बोलते हैं ना, वही है ये। तो इसकी भी 1 चम्मच हम इस पानी में डाल देंगे। अब लेंगे धागे वाली मिश्री और अपने स्वाद के हिसाब से इसको भी हम इस गर्म पानी में डाल लेंगे। मैंने इसको पीस कर रखा हुआ है जिससे ये इस चाय में जल्दी से घुल जाती है। तो ये मैंने मेरे स्वाद के अकॉर्डिंग 1 चम्मच धागे वाली मिश्री इसमें मिक्स कर ली है। अगर किसी को डायबिटीज है तो वो ये चाय बिना मिश्री के ही बना ले, तब भी ये उतना ही फायदा करेगी। बस इस चाय को 5 मिनट ढककर लो फ्लेम पर ही ओटने दीजिए। इससे इसका पानी भी बहुत ज्यादा नहीं उड़ेगा और सौंफ, इलायची और धनिया का पूरा सत्व इसके अंदर आ जाएगा।
ये देखिए बुखार के लिए कितनी शानदार दवा सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हुई है और महंगी दवाइयों का खर्च भी बच गया। बस अब इसको छान लेते हैं। अब ये सौंफ इलायची की चाय कब पीनी है? आप इस चाय का 1 कप सुबह सवेरे भी पी सकते हैं, शाम की चाय की जगह भी इसको पी सकते हैं, इसे रात को सोते टाइम भी पी सकते हैं। बुखार रेगुलर बना हुआ है या पेट साफ नहीं रहता है या थकावट है, एनर्जी की कमी है, तो इसको सुबह, दोपहर और रात 3 बार भी पी सकते हैं। वरना हल्की तकलीफों में या फिर मुंह का स्वाद अच्छा करने के लिए या खाना खाने का मन नहीं करता हो तो इसको दिन में कभी भी 1 टाइम पी सकते हैं। यह आपको जबरदस्त फायदा देगी। इस चाय को आप गर्म गर्म ही पीजिए, इसको ठंडा नहीं पीना है बल्कि गर्म ही पीना है, तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। बच्चों को आपको देना है तो कितने चम्मच देना है? अगर आपका बच्चा 6 महीने का है या 1 साल का है तो उसे आप खाना खाने वाली 1 चम्मच दे सकते हैं, और अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है उसे 2 चम्मच दें, या फिर और भी बड़ा बच्चा है तो उसे 4 चम्मच दे सकते हैं। इस हिसाब से आप देंगे तो ये बच्चों को बहुत ही फायदा करेगी। 5 साल से 10 साल तक के बच्चों को दिन में 1 बार आधा कप दे सकते हैं। 10 साल से बड़े बच्चों को आप इसका पूरा 1 कप दिन में कभी भी दे सकते हैं। आपको अगर मीठा लेना है और आपके पास धागे वाली मिश्री नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं। इससे ये चाय आपको ताजगी देगी, ये चाय आपके अंदर स्फूर्ति लाएगी। बड़ों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, बहुत फायदेमंद चीज है ये। जो चीज इसमें यूज हुई है ना, वो सब देखने में तो बहुत छोटी लगती है। ऐसे लग रही है क्या है इसमें, ये तो सौंफ की चाय है, लेकिन ये तीनों चारों चीजें मिलकर वात, पित्त और कफ का बैलेंस इतना बढ़िया कर देती हैं कि शरीर की बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो अब आप इसे बनाइए और अपने बच्चों को दीजिए, अपनी फैमिली को दीजिए और अपने अपनों के साथ ही वीडियो शेयर कीजिए, ताकि इतने सिंपल उपाय से सब लोग हेल्दी रहें, खुश रहें। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत ही आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।